बात बहुत ध्यान से श्रवण करना। ये भगवान की कथा जो है ना, ये भगवान की कथा मनोरंजन नहीं है। भगवान की कथा मनोरंजन की दृष्टि से कभी नहीं सुनना चाहिए। मनोरंजन के बहुत सारे अन्य साधन हैं, उन साधनों का प्रयोग करके आप हंसी मजाक कर लीजिए, लेकिन भगवान की कथा के साथ मनोरंजन नहीं करना चाहिए कभी। कि भगवान की कथा मनोरंजन की दृष्टि से कभी नहीं सुनना चाहिए कि चलो कथा सुन लेते हैं थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। भगवान की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। भगवान की कथा आत्मरंजन की दृष्टि से सुननी चाहिए। भगवान की कथा आत्मा के लिए है। जिस प्रकार से शरीर के लिए अन्न जरूरी है, उसी प्रकार से ये आत्मा की खुराक है। और भगवान की कथा सुनते रहोगे तो आपकी आत्मा कभी मरेगी नहीं। नहीं तो लोग कहने लग जाते हैं, क्या हुआ तेरी आत्मा मर गई क्या? वास्तविक बात यही है, भगवान की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, चलो थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा, नहीं नहीं, भगवान की कथा आत्मरंजन की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से सुनना चाहिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा भगवान की कथा सुनने से। कलयुग के राजाओं का वंशों का वर्णन है, कलयुग के धर्म का वर्णन है, कलयुग से कलयुग के दोषों से बचने का उपाय है। सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को अंतिम उपदेश देते हैं और कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारा कल्याण हो, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी, तुम शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश हो, तुम भगवान के हो, इस बात का सदैव ध्यान रखना। और यह जीव केवल एकमात्र भगवान का है और भगवान ही एकमात्र उसके अपने हैं संसार में। इसलिए परीक्षित, केवल एकमात्र भगवान तुम्हारे अपने हैं। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है और श्री सुखदेव जी महाराज आकाश मार्ग से चले गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज के पास तक्षक आया है। परीक्षित तो पहले ही देह का त्याग कर चुके थे और तक्षक आया है, परीक्षित के शरीर को डसा है। परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया है। जनमेजय जी महाराज ने सर्प यज्ञ किया है, जिसने मेरे पिता को डसा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया है। हजारों सर्पों का महाराज स्वाहा कर दिया है। ऋषियों ने आकर के कहा, हे जनमेजय जी महाराज, ये उचित नहीं है, आप यह क्या कर रहे हैं? बोले तक्षक ने मेरे पिता को डसा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। ऋषियों से कहा, तक्षक को बुलाओ, उसको स्वाहा करो। ऋषियों ने मंत्र पढ़ने लग गए, तक्षक नहीं आ रहा था। जनमेजय ने ऋषियों से कहा, क्या कर रहे हैं आप सब, तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? ऋषियों ने कहा, वह तक्षक इंद्र के सिंहासन के पावे में चिपक चुका है, इसलिए आ नहीं रहा है। जनमेजय जी ने कहा ऋषियों से, इंद्र को सिंहासन सहित भस्म करो। महाराज जिस समय ऋषियों ने मंत्र पढ़ा है, इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया है। देवताओं ने आकर के, ऋषियों ने आकर के कहा है, जनमेजय जी महाराज आप ऐसा कार्य मत करिए, ये तो विधि का विधान है, ये कृषि का श्राप था, इसलिए ऐसा तक्षक ने किया है। जनमेजय जी महाराज ने यज्ञ सत्र बंद कर दिया है।